हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट अरिबा। मैं अरिबा आज आप लोगों को एक फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि मेरी फेवरेट फाउंडेशन में एक है, लॉरियल पेरिस की। इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा मेरे आने वाले न्यू वीडियो से अपडेट रहेंगे। साथ में बेल का आइकन दबाएं जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपने तुरंत मिल जाएगी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और साथ में आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। दिख रहे हैं कि लॉरियल पेरिस की है ये इन्फेलेबल स्टे परफेक्ट फाउंडेशन 24H वाली है। इसको मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। बहुत मैंने इसे समर में ही ख़रीदा था, अपनी सिस्टर की शादी के टाइम भी, तो मैं तब से यूज़ कर रही हूँ इसको। देख रहे हैं कि ये इतना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो मैं आप लोगों का आज ये रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ हमेशा यूज़ करने के बाद रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि जो सब्सक्राइबर होते हैं मेरे, जो वो बहुत ट्रस्ट करते हैं एक यूट्यूबर्स पे, और स्पेशली जो ये जो रिव्यू वाले होते हैं उन पर, तो भरोसा उनका मतलब तोड़ना नहीं चाहिए। कुछ भी मार्केट में आए और उसका वीडियो अपलोड कर दो बना के, या आपको स्पॉन्सर वीडियो कर दो और पब्लिक है जो है वो बेचारी ख़रीद लेगी आपको जानते हुए, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करें। जो भी अगर करते हैं पहले यूज़ कर लें, उसके बाद उन्हें बताएं। तो मैं आपको यूज़ करने के बाद ही देख बता रही हूँ। देख रहे कि कितना ये ख़त्म हो चुका है मेरी, कितने टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही थी। अब मैं आपको इसका रिव्यू करने आया, क्योंकि मैं जेन्युइन रिव्यू करती हूँ, ना कि बस स्पॉन्सर और ये वाली वीडियो बस खुद पे यूट्यूब पे फेमस होने के लिए जल्दी जल्दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये ज़रूर ध्यान रखें। अब मैं इसकी पहले प्राइस, ये 1200 की है आपके ऑनलाइन, ये आपको कम रेट में पड़ जाएगा। ये मैंने आपको 8 मंथ पहले परचेस किया था, और आपको ये 1200 की है, बट अभी आपको 960 या फिर 980 इस तरह से 900 में मिल जाएगा। इसकी शेड मैं पहले बता देती हूँ, मैं 125 नेचुरल रोज लिया है। ये लाइट शेड होता है, ये वाइटस स्किन और फेयर स्किन वाले लोगों को अच्छा सूट करता है कॉम्प्लेक्शन। और मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो मैं एक शेड फेयर ही लेती हूँ, बिकॉज मेरी स्किन बहुत वो वाइट नहीं है, बट मैं फिर भी वाइटस स्किन मतलब मैं आइवोरी ही इसलिए चुनती हूँ, फाउंडेशन वाले सुन लें, क्योंकि जब स्किन जब ऑक्सीडाइज होती है ना फाउंडेशन आने के बाद, आपके एक से डल लगने लगता है स्किन। तो जब डल लगता है ना जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो परफेक्ट हो गया ना ही आपको एक घोस्ट लुक भी मिलेगा, ना ही आपको आपको मेकअप वियर्ड भी होगा, बैलेंस में रहेगी मेकअप। तो ये जरूर ध्यान देंगे आपने मेकअप में, लाइट शेड ही परचेस करें कभी भी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले, स्किन के अकॉर्डिंग आजकल सभी कोई एक से फेयर लगना चाहता है एटलीस्ट पार्टी वार्टी में, तो इसलिए क्यों ना मेकअप करें, तो क्यों ना हम फेयर दिखें नॉर्मल चेहरे पे। तो मैं नॉर्मल ही दिखती हूँ ना, तो मैं मेकअप करूँ तो मैं क्यों एक शर्ट फेयर ना दिखूँ, ये मेरा हक है, क्यों नहीं करूँ, वी वर्थ इट। तो इसलिए मैं एक शर्ट फेयर ही दिखना चाहती हूँ, सभी कोई दिखते हैं, तो इसलिए मैं वन शर्ट फेयर खरीदती हूँ। और अब मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूँगी कि वन शर्ट फेयर खरीदें, ना ही टोटली बहुत ज़्यादा लाइट, बट हाँ लाइट एक शर्ट कर देंगे, बैलेंस में आ जाएगी आपकी स्किन। तो मेकअप करने के बाद जब मेकअप ऑक्सीडाइज होता है फाउंडेशन एग्जैक्टली जब ऑक्सीडाइज होकर पूरे स्किन पे अच्छे से मेकअप हो जाता है तभी। तो प्राइस मैंने बता दिया, ये लॉरियल पेरिस की है इन्फेलेबल स्टे फ्रेश फाउंडेशन 24 आवर्स के लिए। 24H का मतलब है 24 आवर वाली, तो ये इस तरह के भी ये है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि है कि नहीं है। ये 24 जस्ट अप्लाइड फिनिश 24 फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन, नो इम्प्रेशन, नो शाइन, नो ट्रांसफर, नो मास्क इफेक्ट, एनरिच विद द हाइड्रेटिंग हाइड्रेशन प्लस 4 10 आवर हाइड्रेशन ऑल डे कम्फर्ट। डर्मोटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, नॉट कॉमोजिन्स, सेल्फ एवोल्यूशन ऑन फोर्पिसेंस सब्जेक्ट, चेक विल बी फॉर यूज। इसमें SPF 20 है, PA++ भी है, तो ये ऑफिस कॉलेज के लिए भी आप परफेक्ट है, आप ट्राई कर सकते हैं एज अ पार्टी के लिए भी, और ब्राइड होने वाली है तो भी आप इसको ले सकते हैं। बेस्ट ब्राइडल फाउंडेशन मैं इसको कह सकती हूँ। देख रहे हैं कि ये आइवोरी है, बट ये बहुत भी वाइटस नहीं है, ये नेचुरल रोज़ है। तो इस तरह से आप आइवोरी शेड भी लेंगे तो बहुत अच्छा वाइट शेड आएगा। ये लिक्विड है, ये ईजिली ब्लेंड हो जाएगा आपको अप्लाई करने में। आप थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप लेंगे, इस तरह से आपकी स्किन पे इजी अप्लाई हो जाएगी। और मॉइस्चराइज़र मैंने इसे पहले अप्लाई किया हुआ था, अब मैं इसको मॉइस्चराइज़र लगा के अप्लाई कर रही हूँ। सॉरी कि मैं फेस पे नहीं दिखा रही हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप फेस पे क्यों नहीं दिखाते हो, तो सॉरी इसके लिए मैं नहीं बनाती हूँ वीडियो, बट मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए अब वीडियो बनाने के लिए फ्रंट में। बस थोड़ा सा टाइम दिए, तब तक के लिए आप जिस तरह से मुझे प्यार करते हैं इस तरह से आप करते रहेंगे, तो आपने ज़रूर फुल वीडियो वॉच किया करें, तभी आपने एग्जैक्टली सब समझ आएगा। तो इस तरह से आप इसको छोड़ा देर के लिए छोड़
करें, इस तरह से नीचे की तरफ करेंगे, जब भी फाउंडेशन लगाएं नीचे की तरफ। और आई सजेस्ट कि आपने ब्लेंडर से लगाने से अच्छा है कि हाथ से लगाएं, हाथ से जितना अच्छा बैलेंस होता है मेकअप ना, उतना आपने कोई ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं होता है। ब्यूटी ब्लेंडर से तो आधा ब्यूटी ब्लेंडर में ही चला जाता है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सेव करने के लिए भी बता रही हूँ कि किस तरह से आपने सेव करें। आपने फ्यू ड्रॉप लेना है और पूरी तरह से नेक वगैरह पे भी ब्लेंड हो जाएगा और अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी मेकअप मेरी कहीं पे फिक्की नहीं दिख रही है, कहीं पे नहीं है, और बैलेंस स्किन यहाँ पे वन शेड फेयर भी हो गई। तो आज के डेट में कौन फेयर नहीं होना चाहता है, मैं तो चाहती हूँ बाबा, और पार्टी वार्टी के लिए तो बिल्कुल। तो इस तरह से देख रहे हैं, और यहाँ पे आप फिर अपने कॉम्पैक्ट का अप्लाई करें, फिर आपने इस पर रूज अप्लाई करें, या फिर जिस तरह का आपने सिमर अप्लाई करना है, या फिर ब्लशर अप्लाई करना है, फिर जो भी अप्लाई करना है, फिर अपने मेकअप वन बाई करें, उसके बाद देख सकते हैं इस तरह से। अभी थोड़ी देर में ये ऑक्सीडाइज होकर नॉर्मल हो जाएगा स्किन के लिए। ये अगर 900 की है तो बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। और लॉन्ग लास्टिंग की बात रही तो ये जी हाँ, ये है लॉन्ग लास्टिंग, बट इतना भी नहीं कि आपको ये पूरा 24 आवर या फिर आपने 12-13, ये 7-8 आवर्स तक ये ऑलमोस्ट रह जाता है। अगर आपके स्किन पे पानी, थोड़ा सा पानी की अगर एक दो स्प्रिट आ गई तो आपने इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से डैप करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे पानी पड़ गया तो आपने इस तरह से पोछेंगे तो ये सब चला जाएगा। जस्ट मैं डेमन दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे फ्यू ड्रॉप्स वाटर लिया, देख रहे हैं कि मेकअप में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इस तरह से अगर मेकअप आपके फेस पे आ गया, आप स्वीट सपोज़ आ गया, तो यहाँ पे आपने इस तरह से आपने हल्का हल्का ले लेना है, इस तरह से याद रखें। आपने इस तरह से नहीं करना, इस तरह से करने से चला जाता है। तो स्वेट हल्का हल्का होगा तो देखिए मेकअप नहीं किया, अभी भी मेरी स्किन यहाँ की फेयर है, मैंने यहाँ पर पानी डाला भी है तो भी नहीं गया। इस तरह से आपने डैप करना, और सपोज़ कि इस तरह से आपने पोछ लेंगे तो ऑब्वियसली जाएगा ही, गया ना, तो आपने ये नहीं करना है। बस ध्यान दें, जाने के बाद भी आपकी स्किन फ्लॉलेस ही दिखेगी, बट ऐसा नहीं करना, जब भी करें तो इस तरह से डैप करें, ये हमेशा याद रखें। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे और मेरी सजेशन के अकॉर्डिंग आप ये फाउंडेशन परचेस कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी शेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी किस किस स्किन टाइप के लिए किस किस वाला शेड है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माई ऑल ब्यूटीज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।